एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। मकर राशि वालों, यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो प्रतियोगी परीक्षा, प्रमोशन, नौकरी, व्यापार, कार्यक्षेत्र एवं प्रेम विवाह से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह धमाल मचालने वाले हैं। मकर राशि वालों, ब्रह्मांड में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन से कोई मालामाल करता है तो वह शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में सुख और समृद्धि का कारक माना गया है। जब वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी माना गया है तो मीन राशि में उसका होता है। बुध ग्रह की कन्या राशि में वह नीच का माना जाता है। यह शुक्र ग्रह जहां 4 राशियों पर तबाही मचाने वाला है तो 8 राशियों में से आपकी राशि मकर राशि वालों के लिए किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। जहां 2 अक्टूबर 2021 सुबह 9:50 पर अपनी खुद की राशि तुला राशि से निकलकर मंगल की स्वामित्व वाली राशि वृषभ राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि को अत्यधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि मकर राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र विद्या भाव एवं कर्म भाव के लोल होकर वह स्वयं लाभ भाव यानी कि आपके आय भाव में स्थित है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। तो साथ में देश दुनिया में भी इसका बड़ा असर होगा। लव लाइफ, मकान, वाहन, ज्वेलरी, ऐश्वर्य, आनंद, भौतिक सुख सामग्री के सामान पर असर पड़ेगा। तो शेयर बाजार में भी बड़ा उलटफेर होगा। तो आइए जानते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन से कौन कौन से बहुत बड़े बदलाव होने वाले है। मकर राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके 11वें भवन में हो रहा है, यानी कि आपके लाभ के भवन में, आय के भाव में, मनोकामना पूर्ति और भाग्योदय के भवन के साथ साथ उपलब्धियों के भवन में हो रहा है, जिसके कारण अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने कई क्षेत्रों में जहां सफलता प्राप्त होगी तो लाभ के महत्वपूर्ण अवसर भी आपके सामने आएंगे। शुक्र की यह अवधि में आप भविष्य की नई योजनाओं पर कार्य करना चाहते हैं तो इस वक्त आपको न केवल आगे बढ़ने का रास्ता प्राप्त होगा किंतु किए गए प्रयास भी सफल रहेंगे। जी हाँ, इस वक्त धन दौलत, पैसा, पद, यह सब चीजें आपको आसानी से मिलने वाली है। दोस्तों, मैंने मंगल राशि परिवर्तन की वीडियो में राजनीति में बड़े उलटफेर को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह गुजरात में, पंजाब में सच होती जा रही है। तो वह इस समय शुक्र के परिवर्तन की वजह से दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थिति आपको चिंतित कर रही थी तो वह चिंता उससे मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, शुक्र आपके पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा, दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति को दूर करेगा, तो आपसी तालमेल भी बनाएगा और जिसके ही कारण इस वक्त आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो दूसरी ओर, जो जातक भूमि, वाहन एवं संपत्ति खरीदने के प्रयास में तो इस वक्त बड़ी सफलता मिलेगी। जहां शुक्र इस वक्त आपको खुद के घर के मालिक बना सकता है तो पैतृक अधिकारों में भी लाभ प्रदान करेगा। पिछले काफी समय से कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर आप चिंतित थे तो वहां पर विजयी रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में सहयोगी और अधिकारियों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होने से आपको लाभ मिलेगा। जहां इस वक्त सबसे बड़ा लाभ पदभार के रूप में मिलेगा। शुक्र इस वक्त आपको अधिकारियों से वंचित नहीं करेगा तो आपकी योग्यता और काबिलियत के दम पर आपको पद मिलेगा, इच्छा स्थानांतरण होगा। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर के बाद नौकरी के लिए प्रयासरत जातकों को कहीं ना कहीं बिना किसी मुश्किल के अच्छे जगह नौकरी प्राप्त हो जाएगी। जहां विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई यूपीएससी, जीपीएससी या फिर शासन प्रशासन से जुड़ी हुई किसी तरह की नौकरी ही क्यों ना हो, इस वक्त आप फायदे में रहेंगे, सफल परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथ साथ वह नवयुवक जो कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त अवश्य जाने का रास्ता मिलेगा। आपके आवेदन मंजूर हो गए तो पूंजी निवेश, ई कॉमर्स, जमीन जायदाद से संबंधित व्यवसाय भी आपको लाभान्वित करेंगे। जहाँ पैतृक संपत्ति से जुड़ा कार्य आगे बढ़ेगा, आपकी बहुत सी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। खासकर मकर राशि के जातक जो प्रेम संबंध में है वह अपने प्रेम को शादी विवाह में तब्दील कर सकेंगे। इस वक्त सिंगल जातकों की मन की मुराद पूर्ण होगी। जहां अवश्य ही किसी अजनबी से मुलाकात होगी, घर के पास कलीग या फिर पुराने साथी से भी आपके रिश्ते पनप सकते हैं। शुक्र आपके देह सुख, शैया सुख, प्रेम सुख अवश्य प्राप्त करवाएगा। तो वही 12 अक्टूबर के बाद आप कहीं विदेशी कंपनी में कार्य कर रहे या फिर विदेश में काम कर रहे तो इस वक्त बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र की यह अवधि में व्यापारी जातक अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्रों का माहौल अच्छा रहेगा। पुराना संपर्क से लाभ प्राप्त होगा तो नए अनुबंध को जोड़ने में भी सफल रहेंगे। यहाँ तक शुक्र के गोचर में किसी डील से लाभ मिलेगा। जहाँ व्यापार बिजनेस में कोई डील फाइनल हो सकती है तो वही फैमिली बिजनेस से जुड़े जातक आयात निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े जातक डबल मुनाफा प्राप्त करेंगे। तो शेयर बाजार में भी इस वक्त आपको ऐसा महत्वपूर्ण मौका प्राप्त होगा जहाँ पर धन को लेकर लाभान्वित रहेंगे। पिछले समय में किया गया निवेश आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो राजनीति क्षेत्र में आप कुछ बड़ा हासिल करेंगे। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे बड़े दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त।